Assalamualaikum everyone, मुझे कहते हैं जिया नौमान और एक बार फिर से हम लोग आपके सामने हाजिर हो चुके हैं। शो का नाम है म्यूजिक शूजिक और बुध वाले दिन रात को 9:30 बजे मैं अकेली नहीं होती इस शो में, बिल्कुल भी। हमारे साथ मौजूद होते हैं शामिल। अस्सलामुअलैकुम। इतने आहिस्ता, मतलब मैंने कहा था कि चलो आज थोड़ा तेजी तेजी में शो करते हैं, आप तो इतने स्लो हैं क्या, मतलब बात दोबारा से करेंगे। हमारे साथ मौजूद है शामिल। वालेकुम अस्सलाम जी। मैंने सलाम किया। अस्सलाम वालेकुम। कैसे मिजाज है? ठीक है, बड़े आज आप सफेद सफेद शर्ट पहन के आए और पाकिस्तान का झंडा जनाब हमारी शर्ट्स के ऊपर, आपको पाकिस्तान का माशाल्लाह ये खूबसूरत सा कौमी परचम भी नज़र आ रहा है क्योंकि 14 अगस्त करीब करीब है, इंडिपेंडेंस डे करीब करीब है, तो बड़े पेट्रियाटिज़म हमारे अंदर जो है जागा हुआ है। आई होप आप सब ठीक होंगे, अपने अपने घरों में सेफ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और हमारे शो का इंतज़ार कर रहे होंगे। आप लोगों को मज़ीद इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा क्योंकि अब हम आ चुके हैं आपके लिए एक मज़ेदार सा नई थीम क्यों कहती हूँ मैं हमेशा, मतलब कितना कुछ नया हो सकता है। देखिए जी, नया तो होना चाहिए, कुछ नया ज़रूर होना चाहिए, कुछ नया ज़रूर होना चाहिए। कोशिश करते हैं कि कुछ ना कुछ हम नया आपके लिए लेके आएँ। नए में कुछ भी हो सकता है, नए गाने हो सकते हैं, नई फ़ोन कॉल्स हो सकती हैं, नए मैसेजेस हो सकते हैं, नए नगमे हो सकते हैं। और आज जब मैं सोच रही थी कि हम शो में कुछ क्या गाएँ, किस तरह का कुछ गाएँ, तो उस टाइम पर मेरे दिमाग में फरीहा परवेज़ जो कि बड़ी ही दिल अजीज़ सिंगर हैं, मेरी बहुत ही फेवरेट सिंगर हैं, बिकॉज़ मैम फरीहा का मुझे वोकल टोन बहुत पसंद है, बड़ी सुरीली हैं और जो भी गाती हैं बड़ा अच्छा गाती हैं। उनका ही एक बहुत ही खूबसूरत सा गाना है। मैं चाहूँगी शो का आगाज़ तो हो चुका है लेकिन थोड़ा सा कॉल करके हम हल्का सा गुनगुना भी देते हैं, क्या कहते हैं? वी आर वेरी अनप्रडिक्टेबल, आपको पता है कि हम ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाते अपनी ऑडियंस को। चंगा वे तू मिठा मिठा रोग मैनू लाया है, चंगा वे तू मिठा मिठा रोग मैनू लाया है, दिन तड़ पाया सारी रात सगाया है, माया तेरे प्यार मैनू मार मुकाई, माया तेरे प्यार मैनू मुकराई, चंगा वे तू मिठा मिठा रोग मैनू लायाई, चंगा वे तू मिठा मिठा रोग मैनू लायाई, दिन तड़पाया सारी रात जगाई, माया तेरे प्यार में जरा जिया हस के तू खोले हसना, हो जे आंदा तेनू साव बिच बस नवे, जरा जिया हस के तू खोले हसना, चंगा मैनू हसे हसे कुछ लाच पाया, चंगा मैनू हसे हसे कुछ नच पाया, दिन तड़पाया सारी रात जगाया, माया तेरे प्यार में मार मुकाया,
खबर तो मिल सोचा कि वे मेरी चंगा मैनू पीछे पीछे अपने तू लाया है चंगा मैनू पीछे पीछे अपने तू लाया है दिन तड़पाया सारी रात जगाया है माया तेरे प्यार में मार मुकाया है माया तेरे प्यार में मार चंगा वे तू मीठा मीठा रोग मैनू लाया है चंगा वे तू मीठा मीठा रोग मैनू लाया है दिन तड़पाया सारी रात जगाया है माया तेरे प्यार में मार यही खूबसूरती है हमारे शो की हम चीजों को बड़ा स्पॉन्टेनियसली स्टार्ट कर देते विदाउट इवन थिंकिंग टू मच अबाउट इट. पहली कॉल है शो में, देखने कौन है लाइन पे. हेलो अस्सलाम वालेकुम. अच्छा पहली कॉल थी लेकिन पता नहीं उनको मेरी आवाज़ अच्छी नहीं लगी. क्या बात है नईम भाई. आज बल्कि मैं अपने तमाम देखने वालों को बताती चलूं कि हमारे साथ नईम भाई हैं प्रोडक्शन पे पैनल पे. आई होप कि जो है नईम भाई आपको मैं अच्छी लग रही होंगी स्क्रीन पे. कॉल करने के लिए हमारा नंबर है 0514102357 जिस पे आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं, अपना फीडबैक दे सकते हैं. सोशल मीडिया पे भी आप हमसे रابطہ कर सकते हैं. K2 टेलीविजन के जो ऑफिशियल पेज है वो फेसबुक पे भी मौजूद है, इंस्टाग्राम पे भी मौजूद है, यूट्यूब पे भी हमारा चैनल मौजूद है क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है, आपको पता है ना. बिल्कुल जी, आजकल तो सोशल मीडिया इतना ज़्यादा मतलब फास्ट हो चुका है ना कि आप बस सर्च करते रहे ढूंढते रहे, आपको दुनिया की हर चीज़ मिल जाती है. दुनिया की हर चीज़ मिल जाती है, हर चीज़ का सोल्यूशन मिल जाता है. अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं, अगर आपके अंदर वो सीखने का एक जुस्तजु का सीखने का एक है क्या कहते हैं पैशन है, तो आप जो है दुनिया का कोई ऐसा इल्म नहीं है, दुनिया का कोई ऐसा हुनर नहीं है जो आप ऑनलाइन नहीं सीख सकते. आई बिलीव बहुत सारे ऐसे लोगों से मैं पर्सनली मिली हूँ जिन्होंने गिटार कीबोर्ड्स बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स सिर्फ ऑनलाइन सीखे YT से. सो आप के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने उस चीज़ के पीछे पागल है. मेरे ख्याल से किसी भी चीज़ को पाने के लिए थोड़ा सा पागल होना पड़ता है. ऐसे ही पागल होना पड़ता है जी, और उसके लिए बड़े स्ट्रगल करनी पड़ती है. स्ट्रगल करनी पड़ती है, टेक्स years लिटरली. व्हेन आई लुक बैक एट माय जर्नी के व्हेन आई स्टार्टेड हाउ आई स्टार्टेड इफ आई स्पेसिफिकली टॉक अबाउट सिंगिंग तो इट्स बीन years एंड years. और मुझे तो लगता है जब से मैं बड़ी हुई हूँ होश संभाला है मैं गा ही रही हूँ. शो में पहली कॉल है, दोबारा कोशिश करते हैं इस दफा बात हो जाए. हेलो अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह. सर कौन कहाँ से हमारे साथ? इस्लामाबाद से. इस्लामाबाद से कौन बात कर रहे हैं? सज्जाद. सॉरी सज्जाद. सज्जाद बात कर रहे हैं इस्लामाबाद से. कैसे मिजाज है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह. आप सुनाए. मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ. कैसा लग रहा है आपको हमारा शो? बहुत शुक्रिया. पहली बार आपने चैनल चेंज किया, पहली बार आपको हमारा शो नजर आया और आपने पहली बार कॉल मिला दी, दैट मींस बहुत अच्छा लगा. ऐसे ही है. कुछ सुनना चाहेंगे, कोई फरमाइश करना चाहेंगे? कुछ खास नहीं, कोई पुराना गाना है तो आप सुना दें. कोई पुराना गाना सुनना चाह रहे हैं? चले कोशिश करेंगे आज के शो में कुछ पुराना जरूर सुनाएं. वैसे हमारी कोशिश होती है हर शो में कुछ ना कुछ ओल्ड और न्यू का फ्यूजन ही करते हैं, लेकिन इस शो में करेंगे. थैंक यू सो मच सज्जाद फॉर कॉलिंग इन. शो में पहली बार इन्होंने हमें कॉल किया और अपना फीडबैक दिया. इट फील्स रियली गुड कि जब कोई हमें स्पेशली ये बताता है कि जी हम चैनल चेंज कर रहे थे और आपका चैनल देखा तो रुक गए और फिर हमने कॉल भी मिला दी, तो वो बड़ी अचीवमेंट फील होती है कि कोई फर्स्ट टाइम कॉल शो देखे और उसको इतना अच्छा लगे कि वो कॉल भी कर दे. मेरे ख्याल से इट हैपेंस वेरी रेयरली.
तो बात कर रहे थे हम सोशल मीडिया की कि आप अगर चाहते हैं लिटरली कुछ भी सीखना तो आप उसको सीख सकते हैं, और उसके साथ आपके अंदर वो लगन होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, और स्ट्रगल, जैसे शामिल भाई ने बात की कि स्ट्रगल बहुत ज़रूरी है. कोई भी चीज़ जब आपको ओवरनाइट मिल जाती है तो ट्रस्ट में उसका वो चार्म नहीं रहता. जब वो चीज़ आपको बहुत मेहनत के बाद मिलती है और जिसके पीछे आपने बहुत लगातार साल, क्या लोग तो सदियां लगा देते हैं एक इल्म के पीछे और फिर उस चीज़ के पीछे, तो जब वो चीज़ आपको तब मिलती है तो उसका एक मज़ा ही और होता है. एक और कॉल है हमारे पास, देखते हैं कौन है लाइन पे. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम जी. कौन कहाँ से हमारे साथ? इफ्तिखार बात कर रहा हूँ, अहमदाबाद से. इफ्तिखार, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं, कैसे मिजाज है, शो कैसा लग रहा है? जी बहुत अच्छा लग रहा है. आप कोई पुराना सराय की गाना सुनाए हमें. पुराना सराय की गाना, वैसे आज हमारी लिस्ट में एक पुराना सराय की गाना मौजूद है. आई होप आपको अच्छा लगेगा. थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग इन इफ्तिखार. सराय की गाना, आपको पता है हमने आज, बल्कि मैं आपको तो पता ही है कि जब भी हम शो शुरू नहीं हुआ और हम बैठे हुए थे तो मैं कहती थी शामिल भाई आज ये गाना गाने का दिल कर रहा है, कुछ सराय की करें, क्या कहते हैं, कुछ सराय की. एक मज़ेदार सा ये गाना है. हमने कोशिश की है कि हम हर शो में कुछ ना कुछ रीजनल बेल्ट को ज़रूर टच करते हैं. तो सावन किड़ मिड लाई, आई एम नॉट दैट गुड विद द लिरिक्स, लेकिन आई विल ट्राई कि आपको पसंद ज़रूर आए. चम चम वसिया तिवल नहीं हसिया, सावन किड़ मिड़ लाई, हो सावन किड़ मिड़ लाई उमड़ा माही, अखियां चम चम वसिया तिवल नहीं हसिया, उठोले बन जावे माही, अखियां छम छम वसियां तेवल नयो हसियां. क्या बात,
क्या बात है, ये बड़ा अनएक्सपेक्टेड था कि आपने विदाउट यूजिंग प्रिकॉशंस, प्रॉपर प्रिकॉशंस को नहीं यूज किया. शामिल भाई इज ऑल अबाउट एक्सपेरिमेंट्स एंड ऑल अबाउट सडन शॉक्स. मैं सोच रही थी कि चलें शामिल भाई अभी प्रिकॉशंस का इस्तेमाल करेंगे, अभी आएगा ढोल बीच में, अभी आएगा ढोलक बीच में. नहीं शामिल भाई ने कहा नहीं जिया आज नहीं, आज हम ये गाना बिल्कुल अनप्लग्ड फील के साथ करेंगे. इसके पीछे कुछ जान के किया आपने? नहीं जान की नहीं, बस मैंने कहा काफी सुना हुआ ये सॉन्ग हमने पहले भी और एक ही तरह से और एक ही तरह से सुना हुआ. इसका रिदम आपको पता है वो डबल दात्रा चंचल सा रिदम है इसका, ठीक है, और ढोलक और तबला इसमें यूज होता है. और विदाउट यूजिंग एनी प्रिकॉशंस मैं अपने देखने वालों को बताऊं कि जो सिंगर और म्यूजिशियन का, वो म्यूजिशियन स्पेशली जो कि आपके साथ काफ़ी ईयर से बजा रहा है, उसका जो एक बॉन्ड है ना वो बड़ा मज़ेदार है. उसमें बड़े आर्ग्यूमेंट्स भी होते हैं, उसमें बड़े कॉन्फ्लिक्ट्स भी होते हैं. उसमें आप अक्सर लड़ भी पड़ते हैं कि क्या कर रहे हैं, देखिए मैंने ये चाहा था, मैं चाह रही थी कि इसमें यूँ बजे, लेकिन जो उनका माइंड कुछ और होता है, मेरा माइंड अक्सर ऐसा होता है कि हम इस क्लैश में होते हैं. वही हुआ इस गाने में भी, लेकिन इट केम आउट गुड, आई लाइक इट. एक कॉल है हमारे साथ, देखते हैं कौन है लाइन पे. हेलो अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम अस्सलाम जी. जी कौन कहाँ से हमारे साथ? जी मैं इस्लामाबाद से बोल रहा हूँ जी, कॉलेज में. क्या हाल है सर, कैसे मिजाज हैं आपके? अल्लाह का शुक्र है जी, बड़ा अच्छा प्रोग्राम है आपका, हमने कहा कि आपको बताएं. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, आपको शो अच्छा लग रहा है. कोई नुसरत का कोई भी चीज सुना दें, कोई पुरानी नई कोई भी जो उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब का कुछ सुनना चाह रहे हैं. डेफिनेटली पिछले शो में भी हमने उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब का जो है एक सूफी कलाम गाया था, इस दफा भी हम कोशिश करेंगे जरूर गाएं. इसके अलावा कोई विजुअल गाना भी देखना चाहते हैं, कोई वीडियो सॉन्ग देखना चाहते हैं आप? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर. थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग इन एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर फीडबैक. हमारे ये जो देखने वाले हमारे कॉलर्स हैं, मुझे बड़ी खुशी होती है इस बात पे कि बड़े ही सेन कॉलर्स हैं, बड़ी अच्छी चॉइस और बड़े अच्छे टेस्ट के मालिक हैं उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब की. क्या बात है, ये तो एक ऐसा चैप्टर है कि जिसको अगर हम स्टार्ट करते हैं, इफ वी स्टार्ट सिंगिंग हिज सॉन्ग हिज कवालीज, तो वो तो नेवर एंडिंग एक सेशन स्टार्ट हो जाते हैं और वो फिर आप एक और फील में चले जाते हैं, एक और ट्रांस में चले जाते हैं. बड़े खान साहब है जी, बड़े खान साहब की क्या बात, क्या कहने, क्या कहने. हमारे जो बड़े लेजेंड्स हैं नुसरत फतेह अली खान साहब, मैडम नूर जहां और मेहदी हसन खान साहब, इनकी तो आपको पता है फिर बात ही कुछ और है कि ये तो ऐसी मौसीकी में इन्होंने अपना नाम बनाया है कि जब इनको आप शुरू होते हैं तो फिर खत्म होने का खत्म होने का नाम नहीं लेता. और एज सिंगर हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है. एक कॉल है हमारे साथ, देखते हैं कौन है लाइन पे. हेलो अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम अस्सलाम, तज्जानी जेलम से बोल रहे हैं. जी सर क्या कैसे मिजाज हैं, कैसे हाल चाल है आपके? अल्लाह अल्लाह ने का शुक्र है, बिल्कुल ठीक ठाक. एक गाने की फरमाइश करनी है जी. जी 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 बताइए. मैडम नूर जहां मैं है, मेरी जिंदगी है नगमा, मेरी आपको सुना देना गान. मेरी जिंदगी है नगमा, ठीक हो गया. मेरी जिंदगी है नगमा, मेरी जिंदगी तराना, मैं सताई जिंदगी हूँ, मुझे ढूंढ ले ये. क्या बात है, क्या बात है, आप तो खुद बड़ा सुरीला गाते हैं, आपने फरमाइश करके खुद ही पूरी भी कर दी. थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया सर कॉल करने का. मेरी जिंदगी है नगमा, मेरी जिंदगी तराना, और आज हम कौमी तराना भी कौमी तराने पे भी बात करेंगे. इसी बात से मैंने बात जोड़ दी है. आई फील सो प्राउड एंड आई फील सो ऑनर्ड. मैं चाहती थी कि ये चीज़ अपने तमाम देखने वालों के साथ शेयर करूँ, और क्योंकि ये मेरा अपना शो है तो इसमें शेयर करना ज़्यादा अच्छा लगता है, ना कि हम किसी और प्लेटफॉर्म पे. तो हम सोशल मीडिया पे तो शेयर करते ही रहते हैं कि आई फील सो ऑनर्ड एंड आई फील सो प्राउड के आई एम वन ऑफ दोज आर्टिस्ट जिन्होंने नेशनल एंथम की री रिकॉर्डिंग जो कि आफ्टर 75 ईयर्स हुई है उसमें हिस्सा लिया है, जो कि अभी इंशाल्लाह आप इंडिपेंडेंस डे 14 अगस्त पे अपनी स्क्रीन्स पे देखेंगे, जिसमें पाकिस्तान के तमाम बड़े नाम शामिल हैं. 140 आर्टिस्ट ऑल टुगेदर सिंगिंग नेशनल एंथम was an amazing feeling. Me and definitely my better half Noman Khan Lashari, we feel so proud ki we were part of it. aur jab tarane ka zikr hua to qaumi tarana mere zehen mein aa gaya.
कौमी तराना जब बजता है तो वो एक अलग ही फीलिंग है. देखिए हमारे पाकिस्तान का कौमी तराना है. हाँ. और हम बचपन से सुनते आ रहे हैं. बिल्कुल बचपन से सुनते आ रहे हैं. और आई डोंट नो व्हाई ये क्यों इतना नेचुरल है और ये क्यों इतना स्ट्रांग है कि जब भी कभी नेशनल एंथम बजता है तो वो एक बड़ी इमोशनल फीलिंग होती है, चाहे वो सिनेमाज हो चाहे वो टेलीविजन हो, और आप अदब में खुद ही खड़े हो जाते हैं. तो आई फील सो प्राउड कि 75 इयर्स तक हिस्ट्री में मेरा नाम भी शामिल हो गया. कॉल है हमारे साथ. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम जी. कौन कहाँ से हमारे साथ? सर कैसे मिजाज हैं आपके? मजाज तो बड़े ठीक हो गए जब वो सैफी का सॉन्ग सुना है. सॉरी, बहुत ज्यादा अच्छे हुए. मिजाज आपके ठीक हो गए? क्या सुन के मिजाज ठीक हो गए? सराई के गाना सुन. क्या जानदार सॉन्ग था जी सैफी का. बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया. आई एम ग्लैड कि आपको अच्छा लगे. कोई और फरमाइश करना चाहेंगे या कोई फीडबैक देना चाहेंगे शो के हवाले से? तो फैंटास्टिक है जी, बड़ा देख के बड़ा मजा आता है जी. बड़ा जबरदस्त प्रोग्राम आप करते हैं जी. बहुत शुक्रिया. प्रोग्राम मोड में होता है और वैसे मैंने कभी ये माहिया नहीं गाया लेकिन आज मैं आपके लिए एक्सपेरिमेंट करूंगी. डेफिनेटली सर, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग इन. और ये अच्छा, बड़े मज़ेदार बात यह है कि जो कॉलर्स है ना, ये आपसे ऐसी ऐसी चीज़ें करा जाते हैं जो आपने ज़िंदगी में सोची नहीं होती. जैसे और कभी ये आपके लिए बड़ा फ़ायदा बन जाता है समटाइम. फ़ायदा बन जाता है. लेकिन ये जो एनी का माया है ये मैं चाहती हूँ हम ब्रेक से जब हो के आए तब हम करें. लेकिन हमारे पास एक वीडियो सॉन्ग भी है. प्रोड्यूसर साहब क्या कहते हैं, वीडियो सॉन्ग की तरफ चलें? अगर हमें इजाज़त मिल गई तो हम जो ठीक है, हम वीडियो सॉन्ग भी सुनेंगे लेकिन थोड़े टाइम के बाद सुनेंगे. हमें चलना पड़ता है एक नज्म व ज़ब्त के साथ. देखिए हमें हमारा तराना जो है नज्म व ज़ब्त भी सिखाता है, हमें बताता है कि हमने एक प्रॉपर चैनल के साथ कैसे चलना है. और इस चैनल के साथ चलते चलते हमें ब्रेक की तरफ जाना है और यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक. और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो क्या पता है नहीं कम आइए हम सुन लें. ठीक है, तो लेते हैं एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक. जी जनाब, वेलकम बैक कहेंगे आपको शो म्यूजिक म्यूजिक में. ये ब्रेक वैसे वाकई थोड़ा छोटा ब्रेक था. मैं चाहती थी थोड़ा सा और ज़्यादा ब्रेक होता लेकिन कोई बात नहीं जनाब, होता है, ऐसा भी होता है हमारे साथ. आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमारा नंबर है 0514102357. और हमारे साथ मौजूद हैं शामिल दी ग्रेट. वालेकुम सलाम. वालेकुम अस्सलाम. उनका अब नेक्स्ट टाइम आपको पता चल गया, जब मैं बहुत ज़्यादा एनर्जी के साथ आ रही हूँ तो आपने उतना ही एनर्जी के साथ मुझे जवाब देना है. अक्सर ऐसा होता है कि आप बहुत एनर्जी के साथ कोई बात करते हो और अगला बंदा कहते हैं हाँ जी ऐसा ही था, तो यार मैंने इतनी तैयारी की थी इन्होंने सब खत्म कर दिया ऐसे. नहीं नहीं, कभी कभी ना म्यूजिक में ना आपका माइंड कहीं और होता है, कहीं और होता है, कुछ और सोच रहे कुछ और सोच रहे और वो म्यूजिक के हवाले से सोच रहे थे. फिर आप एकदम से जवाब नहीं दे सकते. कॉल है हमारे साथ. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ. दुआ कैसी हैं आप? अब तो मैं आपकी आवाज पहचान गई हूँ. जी मेरे बिल्कुल आपको आपकी आवाज इतनी प्यारी लगती है ना आपको बताने. ओह दैट्स सो स्वीट. मेरा माइक्रोफोन खराब है यानी वॉल्यूम, लेकिन मैं फिर भी दो लाइन सुनाऊंगी. आपकी आवाज थोड़ी कम हो गई थी दुआ, मैं आपकी आखिरी बात बिल्कुल नहीं समझ सकी. आई होप आप ठीक हैं. जी मैं कह रही हूँ कि मैं ना आपको दो तीन लाइनें सुनाना चाहती हूँ. जी 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 जरूर जरूर बात है सोने दी तवीतड़ी. और मुझे लगता है दुआ जो है बहुत ही पैशनेट है गाने के लिए. इट्स रियली गुड भाई, पैशन होना चाहिए. और मेरे ख्याल से शामिल भाई मैंने एक चीज़ नोटिस की है, सिंगिंग वो वाहिद मीडियम है आर्ट का जो कि हर किसी के अंदर कहीं ना कहीं ज़रूर होता है.
एवरीबडी सिंग्स, चाहे वो बाथरूम में गाना गाए, चाहे वो किचन में खाना बनाते हुए गाना गाए, चाहे कोई गाड़ी चलाते हुए गाना गाए, गाना कोई ना कोई हर शख्स जरूर गाता है। अब ये मैंने नहीं कहा कि सुर में हर शख्स गाता है। देखिए जी, म्यूजिक गाना जो है ना, क्योंकि सिंगिंग का मेरे ख्याल में तल्लुक है म्यूजिक से, और म्यूजिक तो है ही फीलिंग्स इमोशंस की बात। हर बंदा ही गाना सुनता है, लेकिन ऐसा मैं नहीं मान सकती कि कोई कह रहे हैं हम तो बिल्कुल नहीं सुनते। जो नहीं गाते वो सुनते जरूर हैं, और उसके साथ हल्का फुल्का गुनगुनाते जरूर हैं। हर बंदे का टेस्ट जरूर होता है म्यूजिकली, तो ये बड़ा मजेदार बात है। और अभी कभी भी उस चीज को किल नहीं करना चाहिए। एवरीबडी हु इज अ नॉन सिंगर एंड हु थिंक कि वो नहीं गा सकते, उनके लिए ये बात है कि आप लोग अपने लिए ज़रूर गाएं। हाँ, वो ज़रूर है कि फिर अगर आपको लगता है कि आप इतना ज़्यादा ऐसा गाते हैं कि जो नाकाबले बर्दाश्त हो जाए, तो फिर आप दूसरों के कानों का ज़रूर ख्याल करें, लेकिन गाएं ज़रूर, अपने तक ज़रूर गाएं। लेकिन दुआ तो अच्छा गाती हैं, तो बहुत अच्छा, और इनका टेस्ट भी म्यूज़िक का बड़ा मज़ेदार है। हर दफ़ा कुछ ना कुछ नया गाती हैं, एंड शी नेवर गेट्स स्केयर्ड ऑफ यू नो ट्राइंग न्यू थिंग्स। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसा ही है। बिल्कुल जी, बहुत जरूरी है न्यू चीजें, मैंने आपको बताया ट्राई करने, ट्राई करनी चाहिए। मुझे पता है आप हिंट मुझे जो करा रहे हैं ना न्यू चीज ट्राई करने की, वो करेंगे। देखिए माहिया की हमारे पास रिक्वेस्ट आई हुई है, मैंने लिटरली जितने भी मेरे देखने वाले हैं जो मेरे शोज देखते हैं या जो मुझे जानते हैं उन्हें पता है मैंने कभी भी ये गाना नहीं गाया। नो पर्सनल रीजंस, लेकिन बस मैंने शायद प्रॉब्ली ऐसे होते ना कभी कोई गाने इग्नोर हो जाते हैं बिल्कुल आपकी लिस्ट में, तो इट वाज वन ऑफ दोज सॉन्ग्स जो कि मैंने कभी ट्राई नहीं किया। आई नेवर गेव मच अटेंशन टू इट, लेकिन मैं आज इसको ट्राई जरूर करूंगी। कॉल करने के लिए हमारा नंबर है 0514102357, जिस पे आप हमें अपना फीडबैक दे सकते हैं, कॉल करके रिक्वेस्ट कर सकते हैं, और कुछ हमें भी सिखा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम सीखना नहीं चाहते, कुछ ऐसा भी हो सकता है कि आप हमें कॉल करके बताएं कि देखें आप अगर इसको यूं कर लें तो अच्छा होगा, और क्या पता हम उस चीज़ पर ज़रा थोड़ा सा गौर फिक्र करें और फिर हम उस चीज को समझ के चेंज करें। तो देखिए जी, सजेशंस तो बहुत जरूरी है ना, जरूरी है, फीडबैक जरूरी है, हमें बताएंगे तो हमें अच्छा लगेगा, बिल्कुल अच्छा लगेगा। कॉल है हमारे साथ, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन कहां से हमारे साथ? दिनांक यूसुफ बात कर रहा हूं। जी सर, कैसे मिजाज है आपके? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहना चाहेंगे, कैसा लग रहा है आपको शो? बहुत अच्छा माशाल्लाह, प्यारा है, मौसम भी प्यारा है, प्रोग्राम भी प्यारा है आपका। अरे वाह, मौसम के साथ आपने हमारे प्रोग्राम को जोड़ दिया। किधर से ताल्लुक है आपका सर, सॉरी दोबारा बताइए जी। आपके टेलीविजन का वॉल्यूम टेलीविजन का वॉल्यूम आहिस्ता करना चाहिए आपको, लेकिन कान में मुझे आवाज़ आई है। टेलीविजन का वॉल्यूम और आहिस्ता और ऊंचा कर दें जब भी आप हमें कॉल करते हैं। तो मेरे तमाम देखने वालों से गुजारिश है, वैसे तो हमारे मोस्टली कॉलर ऐसा नहीं करते, लेकिन आप अपने टेलीविजन का वॉल्यूम कम रखा करें। अगर आप अपनी आवाज़ को सुनना चाहते हैं तो हमारा शो रिपीट टाइमिंग्स में आप देख सकते हैं, और उसमें आप अपनी कॉल को दोबारा सुन के इंजॉय कर सकते हैं। लेकिन जब आप उसी वक्त वॉल्यूम हाई रखते हैं तो हमारी बात नहीं हो सकती, क्योंकि हमें आपकी आवाज़ नहीं आ रही होती। हमारे पास एक सॉन्ग है, हम सॉन्ग सुनने चल के सुने या मैं गाऊं? ओके, एक बड़े मजेदार सा सरप्राइज है हमारे तमाम देखने वालों के लिए। सरप्राइज एस सच है, इस तरह से है कि क्योंकि मैं अभी जिक्र कर रही थी इंडिपेंडेंस डे का, 14 अगस्त बिल्कुल करीब है, और उसके लिए लोग बहुत प्रिपरेशंस भी कर रहे हैं, तो हमने भी एक नगमा आपके लिए निकाल के रखा है जो कि अभी आप वीडियो पे देखेंगे। ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पासवान, इसके सच अ ब्यूटीफुल एंड वेरी इमोशनल नगमा। लेकिन इसकी मज़ेदार बात यह है कि इस नगमे को पाकिस्तान के तमाम टॉप स्टार्स ने, फिल्म के आर्टिस्ट ने अपनी आवाज़ में गाया है, और ये बड़ा डिफरेंट एक चीज़ है जो कि पहले कभी नहीं हुई। ड्रामा आर्टिस्ट भी हैं इसमें, फिल्म आर्टिस्ट भी हैं, तो चल के देखते हैं ये वीडियो सॉन्ग, जब वापस आएंगे तो गुफ्तगू का और म्यूज़िक का सिलसिला जारी रहेगा कहेंगे। और ये वाकई बड़ा मज़ेदार सा एक कॉन्सेप्ट था कि जिसको हमारे तमाम मुल्क के जो फिल्म स्टार्स हैं, जो ड्रामा आर्टिस्ट हैं, जो एक्टर्स हैं बेसिकली, उन्होंने मिल के गाया ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पासवान। इसके मुझे जब भी मैं कौमी तराना सुनती हूँ तो मुझे इतनी नॉस्टैल्जिक फीलिंग्स आती हैं, बिकॉज आई वाज वन ऑफ दोज किड्स इन द स्कूल एंड द कॉलेज एज वेल हु वर इनटू एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ एंड मोस्टली ऑफ कोर्स सिंगिंग, बिकॉज मेरा ताल्लुक था कि मैं ज़्यादा गाने का शौक था और तरानों के हमारे मुकाबले हुआ करते थे। और उससे भी बढ़ के एक बड़ी मज़ेदार मेमोरी ये है शामिल भाई के, When I was a kid, probably I was in 9th or 10th standard, तो तब हमारा वो स्कूल का एक ऑडिशन हुआ। ये बात मैं थोड़ा सा कॉल के बाद बताऊंगी, ज़रा डिटेल्ड गुफ्तगू है। एक कॉल है हमारे साथ, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी बेटी, क्या हाल है आपके? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, कौन कहाँ से हमारे साथ?
अरे बेटा मुझे भूल गई हो हाजी मोहम्मद असगर को। ओ सर कैसे मिजाज है, बिल्कुल नहीं भूली मैं आपकी आवाज, ऑलमोस्ट पहचान गई थी लेकिन मैं थोड़ा सा श्योर होना चाहती थी कि हमारे असगर सर की कॉल आई है। आई होप आप ठीक होंगे। मुझे नजर तो जिया आ रही है लेकिन मुझे नजर नुमान लशारी आ रहा है। नवाल अशारी भी नजर आ रहा है आपको मेरे अंदर, चले गए ऐसे मैंने बोल दी मेरे से मेरा यार बोल दा। उन्होंने पता है मेरा बड़ा प्यारा सा बेटा है वो भी। बाकी आपका शो बहुत बेहतरीन चल रहा है, बहुत और जो पसंद करने वाले मैं उनको भी सलाम पेश करता हूँ। और आपने जो पहला साउंड गाया है ना, कमाल का गाया मेरे ख्याल में आपने नुमान के लिए गाया है शायद। अरे अरे मैं बिल्कुल ऐसे ही, मैं आप लोगों को जो लगता है ना कि मैं बस उसके लिए गा रही हूँ, बस वही होता है सच, वही सच्चाई है जो आप लोगों को लगता है वही सच्चाई। बहुत खूब अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह मेरे केटू के चैनल को इसी तरह सलामत रखे, चहकता महकता रखे। अगर आप इजाजत दें तो दो लाइनें मैं भी सुना दूं। जी जी जरूर क्यों नहीं प्लीज। हेलो, अच्छा मैं वाकई चाहती थी कि सर गाएं लेकिन मेरे ख्याल से बलूचिस्तान से नहीं, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग बलूचिस्तान से ही हमें कॉल करते हैं। मैं जितने भी शोज इससे पहले कर चुकी हूँ उसमें हमारे बड़े रेगुलर कॉलर हुआ करते थे, अटक से कॉल करते हैं। बलूचिस्तान वाले कॉलर अलग हैं, ये अटक से कॉल करते हैं, लेकिन बड़ी बात है कि वो हमें याद रखते हैं अपनी दुआओं में। और ये जो हमारे बुज़ुर्ग कॉलर्स हैं जो कि लिटरली हमारे शो को पसंद करते हैं और कॉल करके अपना फीडबैक देते हैं, वो बहुत अच्छा फील होता है। बात मैं कर रही थी अपनी चाइल्डहुड एक मेमोरी की कि आई रिमेंबर आई वाज इन नाइन्थ क्लास और तब हमारे कुछ पीटीवी पे ऑडिशंस हुए एंड आई वाज देयर, वहाँ पे गए और काफ़ी ज़्यादा बच्चे थे, उसमें मेरा ऑडिशन हुआ और फिर आई वाज सिलेक्टेड अमंग ऑल दोज किड्स जो कि उस दौरे हुकूमत में जो भी प्राइम मिनिस्टर होते थे उनके सामने हमारा एक ग्रुप होता था जो कि परफॉर्म करता होता था। एंड आई डिड दैट फॉर ऑलमोस्ट 6 to 7 years कंटिन्यूसली और बड़ा ही मज़ेदार एक्सपीरियंस था। उसमें हम बहुत तराने गाते होते थे और मेरी जो 14 अगस्त है वो बड़ी स्पेशल होती थी क्योंकि हम उस वक्त बड़े अपने आप को समझते थे कि यार 14 अगस्त पे हमने प्राइम मिनिस्टर हाउस जाना है। तो बड़ी अच्छी अच्छी खूबसूरत खूबसूरत मेमोरीज हैं। यहाँ पे हमें लेनी है एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर माइया सुनाऊंगी मैं आपको कन्फर्म। जी जरा वेलकम बैक कहेंगे म्यूजिक श्यूजिक में और हम जो है बात कर रहे थे माइया की, तो मेरे ख्याल से अब और इंतज़ार नहीं करवाना चाहिए। शामिल भाई क्या कहते हैं, लेट्स ट्राई माइया। See yourself the way I see you, you shine just like a star, Maya. 'Cause you're my only darling, Maya. I wish you could see yourself the way I see you, you shine just like a star, Maya. 'Cause you're my only darling, Maya. Maine tujhko hi dil mein basaya, tu hi hai mera pyar. मुझे देखा दिल हो गया निसार माहिया, तू ही है मेरा
इस पे मुझे आपसे कॉम्प्लीमेंट चाहिए क्योंकि मुझे नहीं पता मैंने कैसा गाया है। नहीं नहीं, इसको भी आप लिस्ट में शामिल करें, बहुत अच्छे सॉन्ग थे, आपने बहुत अच्छा सिंग किया। थैंक यू सो मच। और मेरे ख्याल में आपने पूरा इसका कर्ज अदा किया जी। कर्ज अदा किया कंसीडरिंग द फैक्ट दैट आई वाज सिंगिंग इट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम विदाउट नोइंग द सॉन्ग एंड विदाउट नोइंग द लिरिक्स आई ट्राइड फॉर लेवल। दैट्स फैंटास्टिक जी। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि आपका कॉम्प्लीमेंट भी बड़ा मैटर करता है। आप बात में कह रही थी जो कीबोर्डिस्ट या म्यूजिशियन और सिंगर के आपस के बॉन्ड की, तो उसमें ये चीज़ भी पता है कि जो सिंगर की तमाम कमजोरियां होती हैं और तमाम स्ट्रेंथ्स होती हैं वो सबसे ज़्यादा उन्हीं को पता होती हैं। उन्हें पता होता है हमने किस स्केल तक जाना है, क्या इनकी रेंज है, कहाँ से नीचे या कहाँ से ऊपर ये लोग नहीं गा सकते। एक कॉल है हमारे साथ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। कौन कहाँ से हमारे साथ? मदर खान जी। जी सर, कैसे मिजाज हैं आपके, कैसा लग रहा है आपको शो? बहुत अच्छा शो लग रहा है जी आपका ना। बहुत अच्छा लग रहा है शो, कोई फरमाइश करना चाहेंगे? जी मैं यहाँ पे गाना गाना चाह रहा हूँ। गाना गाना चाह रहे हैं, जरूर गाइए जी। जी गाना जी मैं अभी गाना गाना चाह रहा हूँ। मैं दिल को किया है तेरा दीवाना, अब को ही जचता नहीं तेरा दीवाना, अब को ही जचता नहीं, नादान है समझता नहीं, बिन तेरे रहता नहीं, दिल हो गया है तेरा दीवाना। क्या बात है, दिल हो गया है तेरा दीवाना, अब ये समझता नहीं, नादान है समझता नहीं। ओके, क्या बात है। ये गाना हमारा फिल्मी पाकिस्तान का प्लेबैक सॉन्ग है, राइट? बिल्कुल, बहुत ही अच्छा सॉन्ग है। और इफ आई एम नॉट रॉन्ग शायद ये तहसीन जावेद ने। जी 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 जी। और तहसीन जावेद की क्या आवाज़ थी, आवाज़ उन्होंने अपने टाइम पे बहुत अमेजिंग काम किया लिटरली, कि उनके काम को जब भी आप सुनते हैं तो आपको पुराना काम नहीं लगता, बड़ा मॉडर्न काम लगता है। बहुत और बड़े ही कम लोग होते हैं जो दौर से आगे का सोच के म्यूजिक बनाते हैं, और वो फिर आप कब जब आज से 10 साल बाद भी सुने या 20 साल बाद भी सुने तो आपको वो आउटडेटेड फील नहीं होता। ये चीज़ भी माइंड में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है व्हेनेवर यू आर कंपोजिंग एनीथिंग, तो आपको कुछ ऐसा काम करना होता है जो कि हर दौर में बड़ा रेलिवेंट सुनाई दे। हम बात कर रहे थे अभी नेशनल सॉन्ग्स की, और जी बिल्कुल हमारे हमने अभी आप लोगों के लिए प्ले किया ये वतन तुम्हारा है, जिसमें तमाम फिल्मी और ड्रामा अदाकार मौजूद थे जिन्होंने अपनी आवाज़ में उसको गाया है। वॉज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट, लेकिन एक कॉन्सेप्ट हम भी लेके आए थे शामिल भाई, इफ़ यू नो और नॉट, आई होप आपको इस चीज़ का पता होगा, हमारे तमाम के टू के व्यूअर्स को इस चीज़ का पता होगा कि आज से ऑलमोस्ट 2 साल पहले हम एक बड़ा ही डिफरेंट कॉन्सेप्ट के साथ 14 अगस्त के मौके पे, इंडिपेंडेंस डे के मौके पे, K2 के तमाम सितारे, आप लोगों के तमाम सितारे नहीं लेकिन वो सितारे जो गाते हैं, जो गा सकते हैं, वो आप लोगों के लिए एक एकापेला सॉन्ग लेके आए थे। एकापेला सॉन्ग वो होता है जिसमें किसी म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल नहीं हुआ होता, इवन कॉर्ड्स भी नहीं बजे होते, जो भी उसमें प्रिकॉशंस बज रही होती हैं, जो भी उसमें इंस्ट्रूमेंट की आवाज़ यूज़ होती है, वो आप यू यूज़ योर माउथ, आप मुँह से उसमें बीट बॉक्सिंग भी हुई, उसमें गाया भी गया, उसमें साथ ढोलक तबले की जो भी आवाज़ थी, वॉज अ वेरी डिफरेंट कॉन्सेप्ट जो कि K2 लेके आया आपके लिए। और उसमें सबसे मज़ेदार बात ये थी कि वी वर वेरी शॉर्ट ऑफ टाइम, हमें बड़ा एकदम से दिस आइडिया केम इन केवान्स माइंड कि हम करते हैं, एंड फिर केवान और हमारे हम तमाम लोग बैठे एंड वी जस्ट केम अप विद दिस सॉन्ग, और हमने उसे रिकॉर्ड किया, फिर हमने उसका वीडियो भी किया, तो हमारे पास वो वीडियो मौजूद है। नईम भाई, हम प्ले करें तो चल के देखते हैं ये सॉन्ग। जी जनाब, वेलकम बैक कहेंगे आपको म्यूजिक श्यूजिक में, और हमारे तमाम देखने वाले तो क्या, शामिल भाई आप बड़ा शौक थे, आपने कहा कि ये जिया ने एकापेला का जिक्र किया, ये क्या हो गया, एकापेला चलेगा ऐसे थोड़ी ना फौरन चला देंगे, इतनी मेहनत करके फौरन आपको कह के एकापेला चला देंगे, पहले हमने आपको थोड़ा सा वो सरप्राइज का प्री सरप्राइज दिया है, जो ये भी हमारे K2 टेलीविजन के तमाम सितारों ने बड़े मज़ेदार एक्ट किया था इसके ऊपर, और बड़े मज़े के कोलाज के अंदर सबकी विंडोज़ के अंदर पिक्चर्स थी और सब उस पर एक्शंस कर रहे थे, सो इट वाज वन ऑफ द थिंग्स दे मेड एंड इसको हमने इंडिपेंडेंस डे के लिए तैयार किया था। लेकिन जो असल सरप्राइज है और एकापेला है जिसके बारे में बात कर रही हूँ, वो ऐसे नहीं चलेगा, वो शो के आखिर में आपको दिखाएंगे। बिल्कुल सेम ऐसे जैसे बड़े सिंगर्स बाद में आते हैं, बाद में आते हैं बड़े सिंगर्स, आप बहुत ज़्यादा
ज़्यादा जो है अकलमंद होते जा रहे हैं उसके साथ साथ मैं क्या कह सकती हूँ आपका, हमें उस्ताद उसफ अली खान साहब के गाने की रिक्वेस्ट आई थी, तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा यस श्योर यस कहते हैं अपने तमाम देखने वालों के लिए। क्या बात है, टाइम हमारे पास शॉर्ट है और हमारे पास उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब की रिक्वेस्ट थी, तो हमने कहा जल्दी से वो पूरी करते चलें। तमाम देखने वालों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया और हमारे शो को अप्रिशिएट करने का, अपनी कॉल्स के ज़रिए हमें फीडबैक देने का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। शामिल भाई आपका बहुत शुक्रिया, हमेशा मेरे साथ आप शो में होते हैं और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि हम लोगों का एक मज़ेदार सा बॉन्ड होता है और उसमें हम बहुत सारी चीज़ें कर रहे होते हैं। तमाम देखने वालों के लिए जिस सरप्राइज़ का हमने जिक्र किया था, जो हमने रिकॉर्ड किया स्पेशली इंडिपेंडेंस डे के मौके पर, जिसमें मैं भी मौजूद थी, नमान लाशारी थे, केवान हामिद राजा थे, मुदस्सिर थे, गुल थे, शान थे, जुनेद थे, आई एम श्योर आई एम नॉट मिसिंग एनी वन, सब मुझे याद हैं। और हम तमाम लोग आपके लिए एक एकेपेला का सॉन्ग लेके आए थे जिसमें कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यूज़ नहीं हुआ, जो भी आवाज़ें हैं, जो भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो मुंह से उनकी आवाज़ों को प्रोड्यूस किया गया है। तो जाते जाते आप ज़रूर देखिएगा, आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल मेरी तरफ से और शामिल भाई की तरफ से, अल्लाह हाफ़िज़। Oh,
चमन तुम्हारा है, तुम हो नगमा फारिस के, पाकिस्तान 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 मेरा ईमान पाकिस्तान, उम्मीद सुबह है जमा रखना ख्याल रखना ख्याल रखना ख्याल रखना ख्याल रखना, मैं भी पाकिस्तान हूँ तू भी पाकिस्तान है, मैं भी पाकिस्तान हूँ तू भी पाकिस्तान है, तू तो मेरी जान है तू तो मेरी आन है तू मेरा ईमान है, पाकिस्तान हूँ तू भी पाकिस्तान है, तेरे बिना दिल ना लगे पाकिस्तान, तेरे बिना दिल ना लगे पाकिस्तान, दिल दीवाना तेरे लिए, तेरे बिना दिल ना लगे, दिल से मैंने देखा पाकिस्तान, पाकिस्तान